गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में दिया गया है, जिया की मदर ने जिया के लिए और उसकी दो फ्रेंड्स के लिए 3 पिज्जाज बनाए। एक पिज्जा का रेडियस था 7 सेंटीमीटर, लेकिन बाद में उसके दो फ्रेंड और आ गए। आपने बताना है सभी को पिज्जा का कितना पार्ट शेयर किया जाएगा। सो वी कैन राइट रेडियस ऑफ पिज्जा स्मॉल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करेंगे वन पिज्जा का, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ 3 पिज्जाज, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 पिज्जा, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एरिया बन चुका है जिसको शेयर किया जाना है। नाउ टोटल फ्रेंड्स इज इक्वल टू 1 जिया, 2 उसके फ्रेंड, पहले वो 3 थे, तीनों के लिए 3 पिज्जाज बनाए, लेकिन बाद में उसके 2 न्यू फ्रेंड और आ गए। सो टोटल फ्रेंड्स विल बिकम 5। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेयर ऑफ पिज्जा दैट ईच फ्रेंड गेट्स इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइड बाई टोटल फ्रेंड्स, दैट इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 92.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वट वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रन इज डिपिक्टेड हेयर। इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से कौन सी वैल्यूज डिस्प्ले होती है? नंबर 1 शेयरिंग, फ्रेंडली बिहेवियर, इंटेलिजेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 200 मीटर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ पोंड, पोंड का जो एरिया है वो हमें निकालना है। उसको हम कैसे निकालेंगे? पोंड का एरिया, ये वाला जो हमारा पार्ट, अगर यहाँ से कट करके हम इधर इसको पेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगा, जिसके लिए हमारा सीपी जो है वो डायगोनल बनेगा। इट मीन हाफ पार्ट ऊपर रहेगा और हाफ पार्ट नीचे रहेगा। इट मीन हम बोल सकते हैं जो पोंड बनाया गया है वो टोटल फिगर का हाफ पार्ट है। सो वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ पोंड इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो 1/2 एज इट इज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 200 मीटर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वेयर आफ्टर सोल्विंग। देयरफॉर एरिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट, बाकी का जो एरिया है वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें उस मेडिसिनल प्लांट्स के रीजन का एरिया फाइंड करना है। दैट विल बी इक्वल टू टोटल एरिया, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पोंड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें गिवन है 200 मीटर स्क्वेयर एंड एरिया ऑफ पोंड हम निकाल चुके हैं 100 मीटर स्क्वेयर। सो माइनस करने पर हमारा एरिया बनेगा 100 मीटर स्क्वेयर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड हेयर, यहाँ पर कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होती है वो भी हमें बताना। नंबर 1 केयरिंग फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनी के मेंबर्स ने, है ना, जहाँ पर गार्बेज डाला करते थे वहाँ पर पोंड्स और मेडिसिनल प्लांट्स डेवलप करवाया गया है। सो केयरिंग फॉर एनवायरमेंट, ये एक्टिविटी एनवायरमेंट के लिए केयरिंग है, केयर करने वाली है। सेकंड क्लीनिनेस, थर्ड वन इज साइंटिफिक एटीट्यूड एटसेट्रा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।